लिए समय लेता हूँ। अंदमान की सेवकाई जरूर आपको व्हाट्सएप में कितना लोग देखे हैं, सबको देखे, किसी किसी के पास मोबाइल नहीं रहता होगा, कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूँ, मैं वही सोच करके बोल रहा हूँ, जिनके पास मोबाइल नहीं है, जो लोग देखे नहीं है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी लोगों को स्वागत है। मैं जो अभी बोल रहा हूँ ये अंदमान में रहने वाले कम से कम 10 पास्टर लोग भी सुनेंगे, देखेंगे। मैं सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ और सबसे पहले परमेश्वर को महिमा देना चाहता हूँ। इसलिए 1990 में पहली बार परमेश्वर हमको मिशनरी सेवकाई का दर्शन और बोझ दिया। 1988 में मैंने 32वां लिया। 90 में मद्रास शहर में एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में भाग लेने के लिए मैं गया था। उस मीटिंग में प्रचार करने के लिए डॉक्टर रेवरेंड वसंत एडवर्ड नामक एक महान मिशनरी परमेश्वर का दास, वो तमिलनाडु के रहने वाले, लेकिन वो सेवा करते थे अंदमान निकोबार टापुओं में। वहां पर करीब करीब 500 से ज्यादा टापू हैं और उसको उन 500 से ज्यादा टापुओं में करीब करीब 20 से 30 टापुओं में इंसान रहते हैं, लोग रहते हैं। उसमें कुछ टापुओं में सरकार की तरफ से जाना मना है, रिस्ट्रिक्टेड टापू है, वहां पर जा नहीं सकते क्योंकि वहां लोग अभी भी नंगे रहते हैं। और उसमें खास तौर से सेंटिनल ट्राइब्स करके, सेंटिनल टापू करके एक आइलैंड है, सेंटिनल आइलैंड, उस टापू में कोई जा नहीं सकता है। वहां पर संख्या बहुत कम है लोगों की, फिर भी वे नंगे रहते हैं, इस कारण वे वहीं पर अंदरे रहते हैं, वे बाहर आते नहीं हैं, इस कारण उनके पास कोई जा नहीं सकता है। ध्यान दीजिए, मैं 1990 में जब उस मीटिंग में मद्रास शहर में मीटिंग अटेंड करने के लिए गया था, उस मीटिंग अटेंड करने के समय में अंदमान के बारे में जब वो प्रचारक डॉक्टर रेवरेंड वसंत एडवर्ड प्रचार कर रहे थे, प्रचार करते समय में परमेश्वर के नाम की स्तुति हो कि वहां पर अंदमान में जो हो रहा था, अंदमान जैसा था उन दिनों में, उसको देखने के जैसे, दिखाने के जैसे उनका प्रचार हमको लगा। उसी दिन मैंने अपने आप को उस जवान उम्र में अंदमान में सेवकाई करने के लिए अर्पण किया था। और उस समय में मीटिंग समाप्त होने के बाद बहुत बड़ा हॉल था, वो बिरिया तिडल करके एक जगह चेन्नई शहर में अभी भी है। उसमें मीटिंग समाप्त होने के बाद एग्जीबिशन जैसे वहां के लोगों का तस्वीर, बड़ा बड़ा तस्वीर दीवारों में टंगा हुआ था और कुछ लोग एक्सप्लेन कर रहे थे, समझा रहे थे, ये जो लोग हैं ये जरवास लोग हैं और इन लोगों के बीच में कोई जा नहीं सकता और उन लोग नंगे रहते हैं और उनके बीच में अगर कोई जाएगा दूर से ही वे तीर चला देंगे। और वो तीर ऐसा तीर है, दो प्रकार का 20 जहर रहता था उसमें, उसके चोंक में एक जहर सांप का या अन्य जानवरों का जहर उसमें भरा के रखते थे, दूसरा उनका जो थूक है ना वो इतना जहर था, तीर मारने के पहले ही अपने मुंह में पूरा थूक वगैरह इकट्ठा करके भर लेंगे, उसके बाद अंदर लगा करके पूरा उसको भिगाएंगे। भिगाने के बाद जब पूरा थूक से भिग जाएगा और अंदर ऑलरेडी उसमें 20 जहर है, उसके बाद किसी भी व्यक्ति के ऊपर वे चलाएंगे, वो आदमी को मरना ही है। इस प्रकार बहुत पिछले लोग मरे भी थे। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ, वो सब देखने के बाद मेरे दिल में ऐसा वहां के लोगों के प्रति दर्द उठा। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप भी बहुत सुनते होंगे, बहुत लोगों को देखते होंगे, अगर आप असली मसीह हैं आपको जरूर कुछ लगेगा अंदर कि मुझे इस मसीह से मुलाकात कराने के लिए किसी ने मेहनत किया, किसी ने प्रार्थना किया, किसी ने मुझको समझाया, किसी ने मेरा हाथ पकड़ करके मसीह तक पहुंचाया, किसी ने मेरे लिए आंसू बहाया। इतना आपके अंदर अगर होता है तो आप असली मसीह है। अगर ये सब आपके अंदर नहीं होता है, आपके अंदर मसीह तभी तक जन्म नहीं लिया, उसके लिए आपने आपको तैयार की। जब मैं सुना था, सुनने के बाद मैं फूट फूट कर रोने लगा और वो सब तस्वीरों को देखने के बाद मैं प्रभु से 1990 में प्रार्थना किया था, प्रभु आपकी इच्छा होगी इस जगह में मुझे ले जाइए। मैं यही प्रार्थना किया था, परमेश्वर आपको अगर इच्छा है तो मुझे इस जगह में ले जाइए, मैं जाने के लिए तैयार हूं। ध्यान दीजिए,
तो उस समय परमेश्वर की इच्छा ये थी कि मैं बिहार जाऊं और बिहार धरती में 25 साल मैं सेवा करूं, और इसके अलावा बिहार से नेपाल के अंदर जाके प्रचार करूं, और बिहार से यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा, हर जगह में, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक और जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तमिलनाडु तक प्रचार करने के लिए प्रभु की इच्छा थी, मुझसे प्रचार करवाने के लिए प्रभु की इच्छा थी। इस कारण 1994 में परमेश्वर ने मुझे बिहार भेज दिया। अब इसके बीच में मैं 2 साल बाइबल कॉलेज पढ़ा, और उसके बाद मैं सेवा में ही था, बाइबल कॉलेज भी पढ़ता था, और जो अर्पण मैंने किया था उसको मैं भूला नहीं था। मैं सूर्य जानती है, मैं बिहार में रहते हुए अंदमान के लिए बोलता था, अंदमान के लिए प्रार्थना करता था, अंदमान के लिए रोता था। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ, सही समय पर परमेश्वर मुझे ले गया और बहुत अच्छा काम हुआ। ताली बजा के मैं जानता हूँ आप सबको मुझे यहाँ से भेजे, परमेश्वर मुझे ले गया, लेकिन आप सबको ही मुझे यहाँ से जाने आने तक सब प्रकार की खर्चा आप लोगों ने किया, और आप लोगों ने मुझे यहाँ से वहां तक भेजा। मैं आपके बारे में इस रिकॉर्डिंग में जरूर बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अंदमान में रहने वाले पात्र लोग भी वहां के लोग भी सुनेंगे, क्योंकि आप कोई बैंक में, कोई सरकारी नौकरी में या कोई आईटी सेक्टर में काम नहीं करते, आप साधारण में काम करते हैं, जाना मजदूरा का काम करते हैं, ईटा पत्थर धोते हैं, मसाला धोते हैं, पानी पटाते हैं, कठिन परिश्रम करके आपने कुछ कुछ पैसा इकट्ठा करके आपने आपको यहाँ से वहां तक भेजा, कि वहां से यहाँ तक आने के लिए आप ही के खर्चा से मैं जाके आप आए और मुझे ले गया परमेश्वर। मैं परमेश्वर को महिमा देना चाहता हूँ। मैं इसलिए इस बात को बोल रहा हूँ ताकि हर कलीसिया के लोगों को यह समझ में आ जाए कि सेवक केवल कलीसिया के लोगों के लिए नहीं, जो लोग प्रभु को नहीं जानता है उन सब सेवकों का अधिकार है, अभिषेक है, जिम्मेदारी है सबको, ताकि एक सेवक प्रचार करे। तो कोई भी विश्वासी सेवक के ऊपर अधिकार नहीं जताना है, और सेवक को भी इस छोटा दिमाग में नहीं रहना केवल हम कलीसिया में रहेंगे कलीसिया के लोगों को ही प्रचार करेंगे। अगर ऐसा कोई सेवक सोचा है, सोच के सेवा करता, मैं तो कहूंगा वो कुआं का मेंढक है, वो दुनिया नहीं देख सकता। जितना लोग उनके साथ है उतना ही लोगों के साथ वो सीमित रह जाएगा। परमेश्वर उनके लिए जो योजना बनाया है उस योजना उनके जीवन में कभी पूरी नहीं होगी। मैं जैसे आपसे कहा था, मुझको मेरे जीवन में अगर मैं कोई मिशनरी को देखा अपने जीवन में 1990 में तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिला के रहने वाले डॉक्टर रेवरेंड वसंत एडवर्ड जो भैया थे, उनको हमने अपने जीवन में पहली बार देखा 90 में देखा। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मुझे ये नहीं मालूम था मैं अंदमान जाने के बाद, और मुझे ये भी नहीं मालूम था वो मर करके उनकी लाश को अंदमान में ही दफनाया गया, मुझे ये नहीं मालूम था। मैं आज आपको वो फोटो भेजूंगा चर्च ग्रुप में, मैं समझा करके भेजना चाह रहा था, मैं आज आपको भेजूंगा। वो सेवक जिनके द्वारा मेरे अंदर मिशनरी दर्शन का बीज बोया गया था, वो बीज बन करके उसी धरती में, अंदमान धरती में ही मर करके वहीं पर उनको दफना दिया गया। वो मरे थे तमिलनाडु के तिरुनेलवेली शहर में, और मरने के पहले वो बोले थे जब मैं मरूंगा मेरे लाश को बीज की तरह ले जाके अंदमान में दफना देना, गाड़ देना, समय आने पर लाखों की संख्या में इस धरती के लोग प्रभु को जानेंगे। उनकी दर्शन के अनुसार उनकी घर के लोग और उनकी संस्था के लोगों ने मिल करके अंदमान की सरकार से इन सारी जानकारियों दे करके आदेश लिए, क्योंकि उनकी संस्था की सेवा इतना जबरदस्त है, अंदमान टापुओं में हुआ था, अभी भी हो रहा है, सरकार उनकी सेवा से प्रभावित हो गई। इसके चलते सरकार ने अधिकार दिया उनको, आप यहीं पर ला करके दफनाइए, हम लोग सारा मदद करेंगे। राजा की जैसे तमिलनाडु से उनका लाश को लेकर के लोगों ने अंदमान एयरपोर्ट में उतरे, उनके परिवार के लोग वहां से आर्मी पुलिस सबको लगा करके एयरपोर्ट से विंबलगंज करके एक जगह उसी फील्ड में रहते थे, उस फील्ड में चाहते उसका फोटो भी मैं भेजूंगा आपको, उसी जगह में ले जाकर के उनको दफनाए थे। वहां तक जाने के लिए जितना समय लगा उतना समय सरकार की सिक्योरिटी फोर्स, सरकार के जो अंग रक्षक होते हैं, बॉडीगार्ड जो होते हैं, सिक्योरिटी फोर्स पुलिस जो होती है, सब प्रशासन के लोग भिड़ गए और सही सलामत से ले जाकर के वहां तक दफनाए, क्योंकि उस परमेश्वर का दास तो संस्था के लोगों ने अंदमान के लोगों को जंगल जंगल में जाके ढूंढ ढूंढ के प्रचार किया, और वहां पर हर जगह में वे कलीसिया का स्थापना किए, और निकोबारी करके एक आदिवासी लोग हैं, वे भी नंगे रहते थे,
उनके बीच में सबसे पहले तमिलनाडु से ही कोई मिशनरी वहां प्रचार करने के लिए गए। उनके मरने के बाद वो कुछ लोगों को तैयार कर देते। उनके मरने के बाद वहां पर शैलो संता के लोग जाकर के बहुत सेवा किए और उन लोगों का जीवन इतना बदल दिया है। आज उस टापू में जो लोग नंगे रहते थे उन्हीं लोगों को सुस्त बचा सुना के उन लोगों को शिक्षित बना के उनको डॉक्टर भी लोगों ने बना दिया ताली बजा के। उन्हीं का व्यक्ति अंडमान टापू में एक ही एक विधायक का एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जो एमपी चुनाव हो रहा है ना अभी आने वाला, एक ही एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसने वहां का ही एमपी को उन्हीं के लोगों को एमपी तक बना करके पार्लियामेंट तक लोग ले गए। ताली बजा के आकाश और पृथ्वी चल जाएगी, परमेश्वर का वचन कभी नहीं चलेगा, समझ करके विश्वास के साथ एक और बार ताली बजा। संक्षेप में बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए। 15 तारीख मैं यहां से निकला था, मेरे साथ मेरा भाई भी पास्टर मार्टिन भी साथ में चले, सबको मालूम है। हम 15 तारीख वहां पर 10:30 बजे के पहले उतरे, उसके बाद बगल में ही अंडमान का जेल है, उसके बारे में मैं बाद में आपको एक बार बोलूंगा। उस जेल में जाकर के हम लोग सबको, क्योंकि देश भक्ति करने वाले, देश की भक्ति में वे भरपूर होने के कारण अंग्रेजों से सामना किए, देश की आजादी के लिए अपना जिंदगी को बलिदान किए। आज आप यहाँ तक इस प्रकार धरती में, इस संसार में, खास तौर से हिंदुस्तान में आप आजादी के साथ घूम रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, सो रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इसका कारण हिंदुस्तान की राष्ट्र का आजादी का जो सैनिक थे, जो स्वतंत्रता सेनानी करके उनको बोलते हैं, उनका त्याग अपार है, अपरंपार है, जिसकी जिक्र कर नहीं सकते, उतना भयानक उन लोगों ने अपना जिंदगी को त्याग किया। और उसके बाद वो वहां गए थे, उसके बारे में किसी दिन हम आपको बतलाएंगे। लेकिन सेवकाई के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि सेवकाई में सबसे पहले पात्र कामेगम करके जो पात्र यहाँ आए थे, उनकी पत्नी के साथ, वो सब कोई दोनों पति पत्नी दोनों आप सबों को जय मसीह की बोलने के लिए गए, सबको जय मसीह की उनके तरफ जो से बोलेंगे तो वो भी सुनेंगे, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और उसके बाद उस दिन शाम को उस चर्च में जागृति सभा हुई थी, 15 तारीख 16 तारीख 17 तारीख 3 दिन उस चर्च में, उनकी 2 चर्च में जागृति सभा हुई थी, और आराधना के दिन भी प्रचार हुआ था, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, बहुत जबरदस्त काम हुआ है, परमेश्वर बहुत जबरदस्ती के साथ इस्तेमाल किया। आप सबकी प्रार्थना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 18 तारीख उस टापू में रहने वाले पोर्ट ब्लेयर बोलते हैं, राजधानी अंडमान का जो राजधानी है, वहां पर रहने वाले सेवकों में से करीब करीब 60 सेवक लोग जुटे थे, और उनके बीच में प्रचार करने के अच्छा मौका मिला दिल से, और केवल परमेश्वर के चेहरा को देखते हुए, परमेश्वर के वचन की गहराई को सबके सामने प्रचार करने के एक अच्छा मौका मिला। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, प्रचार सबको अच्छा से सुने, सभी पात्र लोगों में सबको, मेजोरिटी लोग सबको इस बात को बोले कि पास्टर आप एक बार और आइए। मैं बोला कि एक ही बार आना है, नहीं नहीं बारंबार आइए। मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, एक सेवक हमारे पास दौड़ के आए, आपको सुनने से गजब लगेगा, आश्चर्य लगेगा। एक सेवक मेरे पास दौड़ के आए, वो आकर के हमसे भोजपुरी में बतियाने लगे, तो मैं बोला कि वो यही पूछने लगे, पास्टर साहब आपको जय मसीह की, कहाँ से आ रहे? बिहार से। बिहार में कहाँ से आ रहे? मैं बोला कि आप कहाँ के? वो बोले कि मोतिहारी के। हम बोले आप ही के पड़ोसी, हम बिद्या हमारा घर, तो मोतिहारी में कौन सा कलीसिया आपकी है? तो बोले कि हमारा सुगोली में जो चर्च है वही चर्च है, स्टीफन भैया का चर्च है, आशा दीदी पात्र के पत्नी का नाम है। तो बहुत खुश हो गया, तो वो बोलने लगा, उसके बाद वो पात्र उनका नाम जान है, जवानी है, तो वो बोले कि अंकल हम आपका प्रचार सुनने के लिए आप बिद्या में जो लाल गिरजा में थे उस समय मैं आपके पास आता था। ताली बजा के मसूरी जहानाबाद मसूरी, हाँ जी। तो हम बोले मसूरी में हम लोग कुर्सी चलाए थे, बहुत बड़ा कुर्सी हुआ, और बिहार धरती में सबसे ज्यादा जनसंख्या संख्या में लोग अगर किसी सुसमाचार सभा में इकट्ठे हुए थे तो समझिए कि वो मसूरी आपका गांव में जो मीटिंग हुई थी। तो मैं आपसे, आप नहीं थे उस मीटिंग में, उस समय उसने कहा भैया उसके एक साल के पहले, आप जिस साल बोल रहे हो उसके एक साल के पहले मैं अंडमान आ गया। लेकिन एक बात मैं आपको बता रहा, आपको मैंने कहीं देखा, मैंने पूछा उनसे कि एसके मेमोरियल हॉल में देखे हैं, पटना एसके मेमोरियल हॉल में एक सेमिनार वहां पर चलाया जाता था, जिस संस्था में मैं था, जेम्स हॉल एसोसिएशन की तरफ से इंपैक्ट सेमिनार, आई मस्ट प्लांट ए चर्च टुडे, इस मुद्दा के आधार पर
सेमिनार चलाया जाता था, उस सेमिनार में वो जवान वहां पर हमसे मिले, वो भी हमको देख करके बहुत खुश हो गए। और वो व्यक्ति वहां का बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो हमारे हिंदुस्तान की बाइबल सोसाइटी है, इसका वो कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर है। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। सभी लोगों को बाइबल वितरण करने की जिम्मेदारी उनकी है। तो हमारे परिश्रम और हमारी आंसू मसीह में व्यर्थ नहीं जाता है। हालेलुया, बोले जोर से हालेलुया। उसके बाद वहां पर पास्टर एडविन करके एक पास्टर है, उनकी चर्च में एक दिन उनकी चर्च में मीटिंग हुई थी। एक दिन उनकी उनकी नेतृत्व में हम लोग कुछ जगह प्रार्थना करने के लिए गए थे, और उसके बाद एक और जगह में भी उनकी ब्रांच है, वहां भी प्रार्थना हुई थी। उस जगह का नाम सोलेम करके एक जगह, वो टापू है। उस टापू में जाकर के वहां पर रहने वाले लोगों को हम लोग प्रचार किए थे। फिर दूसरा दिन उन्हीं के चर्च में, बाकी बिल के चर्च में मीटिंग हुई थी। वो भी मीटिंग, सब फोटो आपके पास मैं भेजा था, वो भी मीटिंग बहुत अच्छा से हुआ। सबको याद कर रहे हैं, वो पात्र ना पाए नहीं करके पूरे। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमने अकेले मेहनत नहीं किया, हम कलीसिया के लोग मिल करके मेहनत किए, उसके चलते बहुत बड़ा काम अंडमान में हुआ। खाली बजा के प्रार्थना करें वहाँ का सेवकों के लिए, इतने अंडमान टापू में सेवक और उनकी पत्नी बाल बच्चे हैं, सबके लिए प्रतिदिन प्रार्थना में याद कीजिए। वे बहुत कठिनाई के साथ सेवकाई करते हैं, बहुत लोग बहुत कठिनाई में वे सेवकाई करते हैं, जंगल में उनको जाना पड़ता है, टापू एक टापू से दूसरा टापू, दूसरा टापू से तीसरा टापू, इस तरह उनको परिश्रम करते हुए और सफर करते हुए लोगों से मिलने के लिए जाना पड़ता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, वे अपना जीवन को बाजी लगा करके सेवकाई करते हैं, पूरा प्रतिदिन, डेली लाइफ इज वेरी चैलेंजिंग। उनकी जो प्रतिदिन का जीवन है सेवकाई की, बहुत चुनौती से भरा हुआ है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ उन सेवकों के लिए, लगातार उन सेवकों के लिए प्रार्थना कीजिए। और साथ ही साथ अंत में मैं यही कहना कह करके अंत करना चाहता हूँ, वहां पर ज्यादा लोग तमिल और बंगाली भाषा बोलने वाले लोग ज्यादा, और झारखंड के मुंडा, साधुरी, संताली, उरावन भाषा बोलने वाले लोग वहां है, और इसके अलावा मलयालम बोलने वाले लोग है, तेलुगु बोलने वाले लोग है, अनगिनत भाषा बोलने वाले लोग वहां पर है, मेजॉरिटी लोग तमिल भाषा बोलने वाले, बंगाली भाषा बोलने वाले लोग, मेजॉरिटी झारखंड के बहुत लोग है। जंगल जंगल में झारखंड के ट्राइबल्स हैं, प्रार्थना में जरूर याद रखिएगा, और ज्यादा प्रार्थना जरूर, एक बात के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। बंगाली लोगों के बीच में सेवकाई करने के लिए मैंने वहां जितना सुना था उस हिसाब से बहुत कम मात्रा में सेवक है। बंगालियों को प्रभु में लाने के लिए ज्यादा प्रार्थना कीजिए, वहां का बंगाली लोगों में से लोगों को प्रभु चुने, सेवकाई के लिए तैयार करें, शिक्षा वचन के दे अभिषेक और सामर्थ्य के साथ, दान और वरदान के साथ परमेश्वर बंगालियों के बीच में बंगाली लोगों को इस्तेमाल करें। उसी की बात यह है वहां का पढ़ाई हिंदी में, इसलिए सभी भाषा बोलने वाले हिंदी जानते हैं। आप भी अगर 15 दिन छुट्टी लेकर तो वहां जाना चाहेंगे सेवकाई करने के लिए, एकदम जाके करके आ सकते हैं। हमारे जान पहचान लोगों को मैं बतला दूंगा। अगर आपको जाने के लिए फुर्सत नहीं है, बहुत जल्दी तैयार कीजिए, तैयार रहिए, बहुत जल्दी मैं वहां पर जाऊंगा, मुझे भेजने के लिए आप तैयार हो गए। हालेलुया। अंत में मैं एक ही बात को बोलकर अंत कर रहा हूँ, अंडमान के बारे में, अंडमान में जो जेल है उसके बारे में मैं बाद में बतलाऊंगा। उस जेल में अनगिनत हजार लोग मारे गए अंग्रेजों के द्वारा, देश की आजादी के लिए उन्हें स्वतंत्रता सेनानी सैनिक लोग अपना जीवन को बलिदान किए। वहां पर किस तरह फांसी लगवाया जाता था, फांसी लगाने के बाद उनकी लाश आदमी जब चटपटा के मर जाता था, मरने के बाद ऊपर से जो रस्सी बंधा हुआ था उसको खोल देते, खोलने के बाद नीचे लाश गिरेगा, लाश गिरने के बाद वहां से करीब करीब आधा किलोमीटर ऐसा गुफा जैसा वो लोग बना के रखे हुए अभी भी, और उसमें वो लाश जाएगा, इतना स्पीड में जाएगा, सीधे जाके बगल में ये समुद्र है, समुद्र में जाके गिरेगा। वहां 500,000 के संख्या में मगरमच्छ इंतजार करता था, कब किसी का लाश हमारे पास आएगा। मैं कहा इसी प्रकार हिंदुस्तान की धरती की आजादी के लिए अंग्रेजों से हमारे पूर्वज इस देश की आजादी दिलाए। आज के नेता लोगों को दिमाग में मत रखिए, वो उनको देखने से आपको वो त्याग नहीं समझ पाएगा, उनकी त्याग उन दिनों में हमारे पूर्वज जो त्याग किए थे इस धरती को अंग्रेजों से छुड़ाने के लिए, बहुत उनका उनके उसके लिए कोई शब्द नहीं है, उतना उन लोगों ने त्याग किया। मैं आपको चुनौती यही देना चाहता हूँ, इस वीडियो रिकॉर्डिंग के जो भी सुनेंगे सबके लिए मैं यही बात बोलना चाहता हूँ,
इस संसार के किसी राज्य को किसी राज्य से छुड़ाने के लिए अगर इंसान इतना तक त्याग कर सकता है, ये तो संसार की राज्य किसी दिन नष्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। परंतु जो अविनाशी परमेश्वर का अविनाशी स्वर्ग राज्य है, उस राज्य में यहां से लोगों को ले जाने के लिए हमें कितना त्याग करना पड़ेगा, किस प्रकार बलिदान होना पड़ेगा, किस प्रकार अपना जीवन दान देना पड़ेगा, किस प्रकार हम अपना समय को दान करना पड़ेगा, किस प्रकार अपने आमदनी को त्याग करके दान के रूप में दे करके किस प्रकार स्वर्ग को अपने हिंदुस्तानियों से भरना होगा, उसके लिए सोचिए, अपना जीवन को उसके लिए अर्पण कीजिए। अंडमान के बारे में बोलने के लिए बहुत है मेरे दिल और दिमाग में, धीरे धीरे हम आपको बतलाएंगे, और अंडमान की जेल के बारे में भी मैं जरूर आपको किसी समय बतलाऊंगा। आइए हम अपने आप को बंद करें।